नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड चैप्टर फिजिक्स में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। तो जो 16 न्यूमेरिकल्स है आपका, नंबर 16 न्यूमेरिकल, इसके दो पार्ट हैं। पहले तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपने निकाल दिया है, मैंने करके बताया था। और इसका सेकेंड पार्ट आपको मैंने घर से दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और जो नहीं भेज रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है, कोई कारण रहा होगा उनका। आइए फिर आगे चलते हैं। तो इसका देखो बी पार्ट क्या है, यानी आपको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी के बीच। तो आइए इसे मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम है आपका, 16 का बी पार्ट है। तो आपको ए मैंने बताया था, जिसके बीच आपको निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस पॉइंट को आप उस लाइन को सबसे बाद में टच करते हैं। तो मैंने इस लाइन को आप सबसे बाद में टच करेंगे, यानी जैसे दबा लिया है। तो इसका मतलब इसके अलावा जो दिख रहा है उसे करते हैं पहले। तो आप देखोगे ये दोनों आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले, कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 और 2 ओम के। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखो अब आप देखो, यदि यहाँ से करंट चलेगा तो इसमें भी करंट उतना ही जाएगा, तो दोनों में करंट कैसा है, सेम। तो आप क्या कहेंगे, 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। जो 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं वो किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आर वन आपका क्या हो जाएगा, 2+2 हो जाएगा, 2+2 तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसके बाद देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में भी कैसा करंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या कहेंगे, 2 ओम है ना, 2 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। 6 को पहले ले लो, 2 को बाद में ले लो, बात एक ही है। तो कितना आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं सीधे जुड़ जाते हैं ना, तो 2+6 कितना हो जाएगा, 8 ओम। इसके बाद देखोगे आप, इन दोनों से एक बन जाएगा है ना, और इन दोनों से एक बन जाएगा। तो आपके समझाने के लिए डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है। तो इन दोनों से जो बना है वो कितना है, 4 ओम का, और इन दोनों से जो बना है वो कितने का है, 8 ओम का। तो ऊपर आपका 4 ओम है, नीचे का है 8 ओम। पॉइंट ए और सी जहाँ थे अब भी वही है, इस तरीके से डायग्राम बना लिया। अब आप देख सकते हो यदि यहाँ से करंट चलेगा तो इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा, यानी 4 ओम में करंट अलग है, 8 ओम में करंट अलग है। तो आप क्या कहेंगे, 4 ओम एंड 8 ओम आर इन पैरेलल, तो दोनों पैरेलल हैं। तो 1/R = 1/4 + 1/8, तो यानी देखो 2/4 + 1/8 तो क्या जाएगा, 3/8। तो आर आपका कितना जाएगा, 8/3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना है, 8/3। आइए इसके बाद 17 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखो 17 न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन, यानी जिसका जो एरिया है इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ये कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी एक समान है। वायर ऐसा है कि ऐसा नहीं है सब जगह से उसकी मोटाई जो है वो कैसी है, समान है, ऐसा नहीं है कहीं से ज़्यादा उसकी एरिया है और कहीं से कम। तो रेजिस्टेंस दे रखा है उस वायर का कितना है, 12 ओम। इसके बाद उसने कहा इज बेंट, ये मोड़ दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्किल की फॉर्म में मोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन टू एंड्स, उसके दो सिरों के बीच, ठीक है, दोनों सिरों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सिरे किस किस के हैं, देखो ऑफ एनी ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, यानी जो सर्किल है ना उसके डायमीटर के किन्हीं दो सिरों के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी डायग्राम देख लेते हैं। देखो एक वायर था, उसे आपने मोड़ दिया है किसके शेप में, सर्किल की शेप में। तो एक बात देख के बताओ, ये जो डायमीटर है आपका, डायमीटर ऐसे तो होता है, तो ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक क्या है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर के किन्हीं दो सिरों के बीच आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो एक बात देखो, ऊपर अलग हो जाएगा भाई, पूरा वायर कितने का था, 12 ओम का था, अब आधा ऊपर हो गया तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा 6 ओम, और आधा रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा 6 ओम। तो आपने क्या कहेंगे, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की फॉर्म में उसे मोड़ दिया जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब ऊपर 6 नीचे 6, तो आप देखोगे यदि यहाँ से करंट चलेगा तो इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला, तो 1/R क्या हो जाएगा आपका, 1/6 + 1/6, यानी 2/6 यानी 1/3, तो R आपका कितना आया, 3 ओम। तो इस वायर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो कितना आ जाएगा, 3 ओम, ठीक है। और किसके बीच, जो इसका डायमीटर है उसके किन्हीं दो सिरों के बीच है ना, पहला सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, ठीक है। तो ये 17 न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद देख लेते हैं 18 न्यूमेरिकल। देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आइए आपको निकालना है फ्लोइंग इन गिवन सर्किट, इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो वोल्टेज जो है बैटरी का वो कितना देखा, 10 वोल्ट, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस दो यहाँ लगा रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, आइए देख लेते हैं।
करंट आपको निकालना है। देखो तो आप देख के बताओ, प्लस से करंट चलता है, बैटरी का प्लस बड़ी वाली प्लेट होती है ना, और बैटरी का माइनस छोटी वाली प्लेट, तो प्लस से करंट चलेगा और माइनस तक चलेगा, तो आप देखोगे यहाँ तक करंट आएगा तो इधर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा, दोनों में करंट कैसा है, डिफरेंट। जब दोनों में करंट डिफरेंट है तो आप खुद समझ सकते हैं दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं रिजल्टेंट को आप आर वन मान लो, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4, तो 2/4 यानी 1/2, तो आर कितना जाएगा आपका, ठीक है ना, आर नहीं बल्कि आर वन कितना जाएगा आपका, 2 ओम। बात क्लियर है? तो इसके बाद देखो भाई, इन दोनों से एक बन गया, वो कितने का है, 2 ओम का। अब देखो करंट जो है आपका ऐसे चलेगा और 2 ओम में होते हुए इस 2 ओम में आ जाएगा, यानी इस 2 ओम में और इन दोनों से जो मिलकर 2 ओम बना उसमें करंट कैसा होगा, सेम। तो मैंने लिखा 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, तो आर इज इक्वल्स टू 2+2 यानी कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। बात क्लियर है? तो देखो V दे रखा है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, R आपने निकल लिया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, V आपको दे रखा है, I आपको निकालना है। ओम्स लॉ आप जानते हो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, V की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा 2.5, तो I आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर, यही आपको फाइंड करना था। इसके बाद देखो 19 न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। 19 न्यूमेरिकल देखो आपका, इन द गिवन सर्किट, इस गिवन सर्किट में आपको निकालना है, सर्किट दे रखा है, एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है क्या है, और एक करंट निकालना है सर्किट में, ठीक है। यूपी बोर्ड कितने में, 2012 में आया है, और ये वाला 15 में, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोनों। आइए 19 देख लेते हैं। देखो 19 में डायग्राम है आपके सामने, तो यहां से देखो प्लस से करंट चलेगा तो इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो दोनों किस में है, दोनों में करंट डिफरेंट है इसलिए दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है, तो आप देखो रिजल्टेंट को R1 मान लो, 1/2 + 1/2 यानी 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो R1 आपका कितना हो जाएगा 1 ओम। इसके बाद देखो इन दोनों से जो मिलके बना वो 1 ओम है ना, और ये भी 1 ओम है, तो दोनों में करंट कैसा है, सेम। तो मैंने कहा 1 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज, सीरीज में देखो जुड़ जाते हैं डायरेक्ट, R मान लो रिजल्टेंट को, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो तीनों रेजिस्टेंस की तो बात कर ली, उनसे ये आ गया 2 ओम, अब एक रेजिस्टेंस ये भी है स्मॉल आर से, स्मॉल आर का मतलब है ये बैटरी का रेजिस्टेंस है जिसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसने तो टोटल रेजिस्टेंस निकलवाया ना, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर आर आपका आया 2, और स्मॉल आर आपका दे रखा है 1, तो 2+1 कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का 3 ओम हो जाएगा। फिर उसने करंट और निकलवाया, देखो तो करंट निकलवाया है, तो आइए देख लेते हैं करंट। देखो बैटरी का दे रखा था उसने वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज को देखो उसने वहां पे कैपिटल वी से डिनोट नहीं कर रखा, किससे कर रखा, कैपिटल ई से, तो कैपिटल ई से कर दो कोई दिक्कत नहीं, बैटरी का ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो बैटरी का वोल्टेज है कितना है, कैपिटल ई इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो करंट आप जानते हैं आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा, लेकिन यहां वी की जगह क्या दे रखा, ई अपॉन कैपिटल आर, क्लियर है। तो करंट कितना हो जाएगा आपका, करंट मेन सर्किट में कितना हो जाएगा, 3/3, आर की वैल्यू 3, कैपिटल ई की वैल्यू 3, तो 1 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा था, 19 का आंसर देख लेते हैं, तो 19 का आंसर कितना है 1 एम्पियर, और पहले का कितना आ रहा था 3 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप देख लेंगे अच्छे से, उसका 3 ओम था और इसका क्या है 1 एम्पियर, तो यहाँ तक लिखने के बाद ये क्या है आंसर। तो ये मैंने 19 न्यूमेरिकल आपको कराया। इसके बाद देखो 20 न्यूमेरिकल जो है ना आप खुद करेंगे, एक बार देख लीजिए 20 न्यूमेरिकल जो है आपको खुद करना है। तो आप देखोगे प्लस से करंट चलता है तो दोनों में अलग अलग जाएगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, फिर उन दोनों से जो आएगा वो और यो दोनों में करंट सेम होगा, तो वो किस में होंगे, सीरीज में। और फिर उसके बाद ठीक है, ये शायद ये देखो थोड़ा दूर लगा हुआ है, ये बैटरी के पास नहीं है, तो यदि बैटरी के पास इस तरीके से होता तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता, लेकिन ये क्या है बैटरी के काफ़ी दूर है इसलिए ये भी क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों से जो आएगा वो, ये और ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो आप वहाँ से R निकाल लोगे, V आपको दे रखा है, तो फिर आपको I निकालना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करके आप मुझे भेज देंगे, ठीक है। तब तक आप बहुत अच्छे से इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बुक में पहले भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं, उन्हें भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल मेहनत करते रहें इस टाइप के न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा, अब यदि आप कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इस बात पर आप ध्यान देंगे, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें आप देख लेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स देखो पहले दे रखे हैं इस टाइप के, है ना, जैसे कि आप देख सकते हो
दे रखे हैं ना इस तरीके से, ये वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में दे रखे हैं, और ये जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं है ना, इन सबको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप करके देखेंगे बुक के हेल्प से। ऑल द वेरी बेस्ट।